नमस्कार, मेरा नाम है मोनी तिवान, प्रज्ञा विडोल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु का मार्गदर्शिका के अंतर्गत खंड अ में जितने भी जानकारी इसको आप लोग तो देख चुके होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग का इसका मैं खंड भाव में बताऊंगा कि खंड भाव में कौन कौन सी जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का। इसमें हम आपको बात करेंगे इसके परीक्षा से संबंधित, परीक्षा में कैसे आएगा, क्या आएगा, वो सारी जानकारी आज खंड ब में आप लोग को मिलेगा, जो कि दो खंड में बटा हुआ है। एक खंड मैंने आप लोग को बता दिया हूँ, उसमें सारी योग्यता और सारी चीजें बताया है, और खंड ब में पूरा परीक्षा से संचालन से संबंधित बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है खंड ब छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विशेष वस्तु। पहला वाला हम मार्गदर्शिका वाला था, ये संरचना वाला है। ठीक है, पहला है, यहाँ से शुरू करते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें चार विकल्प होते हैं, उसमें सही एक को चुनना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे, ये पहले बता दिया। दूसरा है, प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा, गलत उत्तरों पर निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा, जो कि ये एक तरह से ये एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है, जो जॉब वाला होता है और जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन ये इसमें रिक्वायरमेंट में नहीं रहता। तीसरा है, प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। नोट, ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1-5 या कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है, तो दोनों पेपर प्रथम एवं द्वितीय में बैठना होगा। तो ज्यादातर 2 पेपर ही दिलाते हैं। हाँ, जो 12वीं पास आउट है, डीएड किया है, वो पहला पेपर दिलाएगा, और जो जिसने स्नातक किया है या बीएड भी करके रखा है, वो दोनों को दिला देगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। चौथा है, सभी प्रश्न 2 भाषाओं में रहेंगे, एक हिंदी रहेगा, एक अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। तो दो मीडियम का रहेगा, जो कि एक ही पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं। ठीक है, दोनों मीडियम वाले का एक ही पेपर रहता है। पांचवा है, प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय एवं अंक इस प्रकार है। तो यहाँ पर अच्छा डिटेल बताया गया, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्र तक हेतु सभी अनिवार्य। परीक्षा की अवधि है 2.5 घंटे की है। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब आप डीएड और बीएड में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े होंगे, वही से ये क्वेश्चन आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। इसका कम से कम 30 प्रश्न होते हैं सही विकल्प चुनने वाला, और 30 नंबर का आते हैं। भाषा एक हिंदी, तो सबसे पहले आपका हिंदी है, तो हिंदी से रिलेटेड जैसे व्याकरण हो गया, अपत्ति गद्यांश हो गया, तो उस तरह तरह के प्रश्न का आते हैं। उसका अधिकतम 30 प्रश्न रहता है और 30 नंबर का रहता है। उसी तरह भाषा 2 में अंग्रेजी का रहता है, अंग्रेजी का ज्यादातर ग्रामर्स पूछे जाते हैं, एक अनसिंग पैसेज रहता है, तो इसमें 30 नंबर का 30 प्रश्न रहते हैं और 30 अंक होते हैं, तो सब में 33 बार दिया गया है। और गणित का है, गणित आपका वही पहली से 5वीं तक का गणित रहता है, इसमें 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर का आते हैं। पांचवा पर्यावरण, वही आपको वही से पढ़ना है, 3री से 5वीं तक पर्यावरण वही से पूछे जाएंगे, आपका 30 प्रश्न रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसको टोटल कर दोगे 150 अंक बनेगा और 150 प्रश्न आएगा। ठीक है, उसी तरह द्वितीय पेपर में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के अध्यापन पात्रता है तो सभी अनिवार्य। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे का है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र वही शिक्षा मनोविज्ञान 30 नंबर का आएगा।
भाषा हिंदी ये भी 30 नंबर का आएगा, भाषा तो अंग्रेजी भी 30 नंबर का आएगा। विषय आधारित परीक्षा इनमें से कोई भी एक, जैसे गणित और विज्ञान जो साइंस स्ट्रीम का है, विज्ञान जो लेकर पढ़े हैं स्नातक में, इन लोगों के लिए 60 बहुविकल प्रश्न होगा, 30 30 नंबर बटा रहेगा, एक गणित के लिए 30 और विज्ञान के लिए 30, तो टोटल करने से 60 अंक होता है। सामाजिक अध्ययन जो आर्ट्स लेकर पढ़े हैं स्नातक में या 12वीं में, और आर्ट्स वैसे आपने बीएड किया है, तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा के लिए भी 60 नंबर का आएंगे। इसमें वही है, सेम है, जो आप लोग जनरल नॉलेज का तैयारी करते हैं वही वही संबंधित प्रश्न आते हैं, जनरल सामान्य ज्ञान का, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंदर में वही आता है, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल या छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। अन्य कोई विशेष इच्छा है तो 4 या 5 में से कोई भी 60 अंक, ठीक है, कुल है 150 प्रश्न रहेगा, 150 अंक आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र प्रगति एवं स्तर, प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु, तो यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र ये प्रश्न 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बारे से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद भाषा एक हिंदी, इस प्रश्न पत्र माध्यम से शिक्षकों की भाषाई दक्षता, समझ, संप्रेषण कौशल के साथ साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का परीक्षण किया जा सकेगा, ठीक है। उसके अंग्रेजी का है, अंग्रेजी कौशल का भी टेस्ट लिया जाएगा, और जो अंग्रेजी है कक्षा 12वीं तक, कक्षा 12वीं तक के स्तर में से तैयार किया जाएगा। चौथा है गणित, गणित में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय में सिद्धांतों पर समस्याओं एवं की शिक्षा शास्त्री समझ की जांच होगी कि आपको गणित कितना अच्छी तरीके से आता है, और ये जो प्रश्न है कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, तो मैं पहले भी बताया है जो कि ये प्राथमिक स्तर का है, तो कक्षा 1 से 5 तक के स्तर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद 5वां है पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण 12वीं के स्तर तक पूछे जा सकेंगे, परंतु कक्षा 5वीं का पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, परंतु उनसे जुड़े कक्षा 12वीं तक स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पेपर है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, वही सेम है, भाषा एक हिंदी में आपका वही सब व्याकरण व्याकरण आएगा, भाषा टू अंग्रेजी में वही ग्रामर्स आएंगे, वोकाबुली आएंगे, कक्षा 12वीं के स्तर तक किया जाएगा। उसके बाद विज्ञान एवं गणित, ये आपका 6वीं से 8वीं पाठ्यक्रम का आधारित होंगे, आपको कक्षा से 6वीं से 8वीं के टेक्स्ट बुक से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आपको कहीं जगह भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा 6वीं से 8वीं तक के टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो, अगर समय नहीं है आप लोग गाइड से तैयारी करिएगा। उसके बाद 5वां सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में आपका कक्षा 6वीं से 8वीं तक पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक से 6वीं से 8वीं तक भी से भी कर सकते हैं, या किसी प्रकाशन की गाइड से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मोटे तौर पर सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो ये सिलेबस का ये प्रारूप है, तो आने वाले वीडियो में आप लोग को इस सिलेबस का पूरा डिटेल बताऊंगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो पर इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का मार्गदर्शिका में से आपका खंड ब में आप लोग को समझ आ गया था। खंड ब में आप लोग को परीक्षा की अवधि साथ में सिलेबस के बारे में भी बताया था, उसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में सिलेबस भी दिया हुआ था, तो उसमें अच्छा बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, और अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा विस्तार से आप लोग को बताऊंगा इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, कौन कौन से विषय का आएगा और किस लेवल करेगा, वो सारी जानकारी आने वाले वीडियो में मिलेगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को कैसे लगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, यदि आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं बेहिचक। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को बिल्कुल पसंद आया तो अपनी दोस्तों, भाइयों, बहनों, जहां भी वहां बिल्कुल शेयर कर दिएगा, चाहे तो आप सोशल मीडिया में भी जाकर शेयर कर सकते हो मेरे वीडियो को, और यदि आप इस चैनल में बिल्कुल नए हो तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिएगा और साथ में नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।